सो वी आर स्टार्टिंग अगेन। तो ठीक है, वापस एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर कैरेक्टरिस्टिक 3 इफ बेस ऑफ लॉगरिथम 5। तो ठीक है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 3 आ गया और बीटा का वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा, वही बीटा की पावर अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 का लगा दोगे तो वो 500 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? आगे आगे बढ़े। ओके तो ठीक है, अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लॉग में टॉपिक आता है वो आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। तो ठीक है भाई, देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और ये आपका मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, आप इसको कह सकते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन, या चलो इफ यू कैन ट्रीट लाइक ए मशीन, कि भाई ये मॉड एक ऐसा मशीन है जिसके कि अंदर कुछ भी नंबर एंटर करो, कुछ भी नंबर एंटर करो तो वो कुछ वैल्यू देगा, और वो वैल्यू क्या देगा, तो वो वैल्यू उसको पॉजिटिव करके देगा, यही है। तो यू कैन ट्रीट इट लाइक ए कि एक मॉड का ये सिंबल होता है, ये मॉड एक मशीन है, इसका ये मशीन का शक्ल या सूरत आपकी स्क्रीन पे मैंने बनाया है, ऐसा शक्ल सूरत का एक मशीन होता है, और इस मशीन का खासियत ये है कि इसके अंदर कुछ भी रखो तो वो उसके नेगेटिव वाले पार्ट को खा जाता है और केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये बेसिक चीज इतना समझ में आया पहले? तो जैसे मैंने 3 लिया और 3 के आगे वो मशीन लगा दिया, तो भाई 3 तो पहले से पॉजिटिव है, तो उसको तो वो एज इट इज पॉजिटिव दे दिया। अच्छा, अभी मैंने एक -3 लिया और उसके आगे भी मशीन लगा दिया, तो उसको भी उसको क्या कर दिया, वो 3 कर दिया। अगेन मैं एक नंबर लिया -2.5 और उसके आगे वो मशीन मॉड वाला लगा दिया, तो उसका वैल्यू दे दिया वो 2.5। तो बात यहाँ तक समझ में आ रही है? अब देखो यार, ये मशीन काम कैसे कर रहा है, कोई भी मशीन होता है तो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये पॉइंट जानना जरूरी है, ये बात समझ में आनी चाहिए हम लोगों को कि हाउ इट इज वर्किंग, आखिर उसके अंदर क्या, प्लीज डोंट मेक साउंड, इस मॉड के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होगा जिसके के कारण ये नेगेटिव वैल्यू खा जा रहा है, वो हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, तो मैं वाई इक्वल्स टू कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, मॉड एक्स ले लिया, अभी एक्स एक वेरिएबल ले लिया, तो ये क्या बोल रहा है कि ये हो जाएगा, बस वो मशीन को हटा दो और इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसे समझो कि अगर आप 3 लिए थे और 3 के आगे मॉड लगा दिया तो उसका वैल्यू 3 आ रहा है, अब मॉड ऑफ -3 भी 3 आ रहा है, तो ये मशीन कुछ तो किया होगा, -3 से 3 कैसे हुआ, तो समथिंग सम एक्शन हैज बीन डन, और वो एक्शन क्या था तो वो आप समझिए। तो मॉड ने देखा कि भाई मेरे अंदर नेगेटिव नंबर आया लेकिन मुझे तो हमेशा पॉजिटिव देना है, तो उसने क्या किया कि नेगेटिव नंबर को देखते ही उस नेगेटिव, उसको जब मशीन हटाया तो उसके पीछे एक नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव ऑफ -3 ये कितना हो गया, 3। क्या ये बात समझ में आई सबको? मॉड, हाँ करेक्ट, ये मॉड -2.5 आया, तो अब सीखो कि मॉड कैसे काम करता है। तो भाई मॉड ने जैसे ही देखा कि भाई मेरे अंदर एक नेगेटिव नंबर आता है आया है, बट मुझे तो हमें आउटपुट पॉजिटिव देना है, तो और ये बाहर तो मॉड खुल जाएगा या मॉड हट जाएगा, तो वो हटने से पहले क्या किया कि उस नंबर के पीछे एक नेगेटिव साइन लगा दिया इसको, तब ये वैल्यू कितना आ गया, 2.5। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात आई सबको समझ में? ओके, तो यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हो कि मॉड के अंदर, मॉड मशीन कैसे काम करता है, तो उसके अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर एंटर हो रहा है, पॉजिटिव कहने का मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
तो उसको तो वो एज इट इज लिख दे रहा है, और उसके अंदर कोई अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो उसको उसके पीछे वो एक नेगेटिव साइन लगा दे रहा है। एनी डाउट इन डैट? एनी डाउट इन डैट? ओके, तो यही चीज आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स, यहाँ पे एक्स कोई वेरिएबल है, तो ये मॉड ओपन कैसे होगा? वो ओपन दो तरीके से होगा। कैसे दो तरीके से होगा? वो वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स वो एक्स हो जाएगा, कब होगा? इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो वो मॉड आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अगर एक्स आपका नेगेटिव है तो उसके पीछे एक माइनस साइन लगा देगा। तो वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको समझ में? करेक्ट। तो हम इतना समझ गए कि भाई मॉड कैसे खुलता है, मॉड पॉजिटिव नंबर के लिए कैसे खुलता है और नेगेटिव नंबर के लिए कैसे खुलता है। हम क्या इतना समझ गए क्या? कोई दिक्कत? क्लियर है? अभी देखो वाई इक्वल्स टू मैंने मॉड ऑफ मैंगो लिखा है, अभी हंसने वाली बात नहीं है, बट हाँ इसका कुछ ना कुछ यूज है, इसलिए लिखा हूँ कि आपके दिमाग में कुछ चीज बैठ जाएगा क्यों लिखा है। अगर वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ मैंगो लिखा है तो दिस इक्वल्स टू मैंगो इफ मैंगो इज ग्रेटर देन जीरो, और दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैंगो इफ मैंगो लेस देन जीरो। इस पॉइंट को समझने में किसी को दिक्कत? कोई डाउट? भाई उसके अंदर कुछ भी रखा, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज लिख दिया, अगर वो नेगेटिव है तो उसके पीछे एक नेगेटिव लगा दिया। कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी कि मैंगो इफ मैंगो ग्रेटर देन जीरो एंड मैंगो लेस देन जीरो, समझने वाली बात, क्योंकि बहुत बच्चे ये वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स को तो याद कर लेते हैं एक्स और माइनस एक्स से, और वो आगे कंडीशन नहीं देखते कि हाँ इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो या इफ एक्स लेस देन जीरो। तो अगर यहाँ एक्स था तो वो एक्स पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंगो है तो मैंगो के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से मॉड का नेचर डिसाइड होगा कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर या तो केवल प्लस एक्स स्क्वायर होगा या माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर तब होगा जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। सॉरी, ये तो चलो एक हमेशा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मैं एक दूसरा वैल्यू लेता हूँ, दूसरा वैल्यू ले लिया वाई इक्वल्स टू चलो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ले लिया का मॉड ले लिया। तो ये या तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर के साथ ओपन होगा या ये ओपन होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर के। बट ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर कब होगा? तो बच्चे कहते हैं सर एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि उनको याद रहता है उसको पॉजिटिव साइन के साथ खोलना है, बट यहाँ पे वो एक्स ग्रेटर देन जीरो लिख के सब गलती कर लेते हैं। नहीं, और यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो लिख देते हैं। नहीं, गलत है। अगर इसके अंदर मैंगो है तो वो प्लस साइन के साथ खुलेगा जब मैंगो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। वेन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज पॉजिटिव तब ये पॉजिटिव साइन से खुलेगा, वेन एक्स स्क्वायर माइनस फोर नेगेटिव तो ये नेगेटिव साइन से खुलेगा। बात समझ में आई यहाँ पे ये चीज सबको? बात समझ में आई सबको? डिड एवरीवन गेट दिस पॉइंट? ओके, करेक्ट करेक्ट। अब हम एक अब ठीक है कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया सॉल्व फॉर एक्स, और पहला क्वेश्चन दे दिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू टू। तो अब मुझे पता है कि मॉड के अंदर नेगेटिव रखो तब भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो यहाँ से इसका दो मॉड दो तरीके से खुलेगा, या इसका दो सॉल्यूशन आया कैसे? तो एक तो पहला हो गया कि एक्स माइनस टू आपका टू हो जाए, यानी कि एक्स अगर फोर हो जाए तब भी आप उसका वैल्यू टू आएगा, या अगर एक्स माइनस टू का वैल्यू माइनस टू हो जाए
तो मॉड ऑफ माइनस टू वो भी टू हो जाएगा, तो वो भी आंसर है। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, एक्स इक्वल्स टू फोर एन एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को समझने में गाइस? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ओके, क्वेश्चन टू लेते हैं। क्वेश्चन टू है मॉड ऑफ 3x माइनस टू प्लस एक्स इक्वल्स टू 11। तो ठीक है, वापस से इसमें मॉड है तो दो केस लेना पड़ेगा। मॉड वाले क्वेश्चन अलग आ जब भी देखो तो वहाँ पे आपको अलग अलग केसेस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला केस क्या लिया, कि पहला केस ले लिया कि मॉड को पॉजिटिव साइन से खोलना है। पॉजिटिव साइन से कब खोलोगे, जब मैंगो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जब 3x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है, उसको अगर x के लिए सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन 2/3। तो अगर x ग्रेटर देन 2/3 है तो ये मॉड पॉजिटिव साइन से खुला, तो कितना आ गया 3x माइनस टू प्लस x इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से वैल्यू आ गया x का 13/4। अगेन अगर यहाँ पे 13/4 आ रहा है किसी किसी क्वेश्चन में, अगर उसको इस वाले कंडीशन से, कौन सा कंडीशन, x ग्रेटर देन 2/3 मॉड के कंडीशन से सेटिस्फाई कराना है, मतलब उसको वेरीफाई करना है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स आता जो 2/3 से ग्रेटर नहीं होता, तो वो आपका सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आपने पहले ही स्पेसिफाई किया है कि हाँ आप आगे तभी बढ़ पा रहे हो इसमें जब 3x माइनस टू पॉजिटिव है। तो आपका आंसर भी हमेशा 2/3 से बड़ा होना चाहिए। बट ऑफकोर्स x इक्वल्स टू 13/4 इज ग्रेटर देन 2/3, सो इट इज आवर आंसर, नो डाउट इन दैट। अगेन केस टू लेता हूँ, जब 3x माइनस टू लेस देन जीरो हो या x लेस देन 2/3, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे मॉड नेगेटिव साइन से खुला। अब ये नेगेटिव साइन से खुला मतलब इसके पीछे माइनस साइन लगा दिया, तो क्या हो गया, माइनस 3x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से x आ गया माइनस 4.5, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 4.5 एंड 13/4। ऑफकोर्स माइनस 4.5 2/3 से भी छोटा है, इसलिए हमारा ये आंसर है। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? शुड वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े गए? हाँ, किसी को कोई डाउट, हाँ किसी को कोई मॉड में डाउट हो तो बोल सकता है ना, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बोले, सबको समझ में आया? डिड एवरीवन गॉट दिस? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन वापस। हाँ, ये आपको क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व होने के लिए आ सकता है कि जैसे मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू टू, ऐसे टाइप की इक्वेशन आपको डेफिनेटली मिल सकता है सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, अगर सिंपल वो एक्स माइनस टू रहता तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर देते, बट उसके पीछे मॉड लगा है, तो वो सीख लो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी इन जनरल मेथड सीख लो, क्योंकि यहाँ पे देखो दो मॉड है, नीचे तीन मॉड है, पिछले वाले पेज पे एक मॉड था, तो इन जनरल आप सीख लो कि हाँ कैसे सॉल्व करना है उसको। तो सबसे पहले आपको कितना क्या करना है कि जितना मॉड है उससे एक ज़्यादा आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, या यूं कह लो कि क्रिटिकल पॉइंट बनाने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का वो मतलब होता है जहाँ पे कि मॉड आपका जीरो हो जाए, तो जैसे मतलब मॉड जीरो नहीं हो जाए, उसके अंदर का वैल्यू को जीरो करके जो एक्स आएगा वो आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब मॉड एक्स जीरो है, तो एक्स को जीरो करके सॉल्व किया तो जीरो आ गया। अच्छा, और यहाँ से एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू को जीरो करके सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू टू आ गया। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट इसका कितना आ गया, जीरो और टू। तो सबसे पहले तो आपको ये क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लेना है, जीरो और जीरो एंड टू। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि मैंने जीरो और टू यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लिए नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है उसको प्लॉट कर लिया जीरो एंड टू। एनी डाउट गाइस, टेल मी, यस और नो? नो सर। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको इंटरवल बांट लेना है। कैसे, ये जीरो और टू है, तो इस जीरो पे आप एक वर्टिकल लाइन खींच दो इधर, फिर इस टू पे एक वर्टिकल लाइन खींच दो, तो ऐटोमेटिक आपका जो टोटल नंबर लाइन है वो तीन जोन में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला जोन क्या हो गया, ये वाला एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ऑफकोर्स अगर ये जीरो है तो इससे लेफ्ट में सारा पॉइंट का एक्स लेस देन जीरो नहीं होगा क्या, बोलो यस और नो, होगा कोई दिक्कत?
अच्छा, और ये अगर एक्स ये वाला जोन कितना होगा, इसमें एक्स ये 0.0 है और ये 0.2 है, तो इसके बीच का सारा नंबर क्या 0 to 2 नहीं होगा क्या? यस और नो, कोई दिक्कत यहाँ तक? इज दिस करेक्ट गाइस? हेलो, हाँ, तो वो जोन क्या हो गया 0 to 2, और ये वाला वैल्यू क्या है, अगर ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट अगर 2 है तो इससे बड़ा जो सारा पॉइंट है वो क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ, ये समझो, कोई दिक्कत? तो बस उसको वही लिख देना है कि इस वाले जोन को एक्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, इस वाले जोन को 0 to 2, और इसको एक्स ग्रेटर देन 2 लिख दिया। भाई इसका एक एक स्टेप समझो, मैं बार बार एक एक स्टेप को बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये ना हो कि पूरा समझने के बाद आप कहें कि हाँ पहले वाला डाउट छूट गया। मैं चाहता हूँ एक एक स्टेप समझिए, इसीलिए मैं आपसे इंटरेक्टिव इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ ये समझ में नहीं आया किसी को तो वो बोल सकते हैं। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट भी? यहाँ तक तो कोई डाउट गाइस कि क्रिटिकल पॉइंट में बांट दिया, नंबर लाइन बना दिया, यस और नो बोले? और एक बार, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बोलिए। सबसे पहले बेटा क्या करना है इसमें कि आपको क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करना है। अब क्रिटिकल पॉइंट का कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो मॉड के अंदर जो भी है ना उसको इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व कर लो, और उससे जो वैल्यू आता है वही उसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स को 0 करेंगे तो एक्स कितना आएगा, 0 आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया, 0। यहाँ पे ये एक्स माइनस 2 है, उसको 0 कर दो तो एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 किया तो एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 2। तो टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स कितना आ गया, 0 एंड 2। 0 एंड 2 को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, मतलब नंबर लाइन एक बना दिया, उस पे 0 लिख दिया, उस पे 2 लिख दिया। बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी आपको? अब क्या किया उसके बाद, अब क्या किया मैंने, 0 पे एक वर्टिकल लाइन और 2 पे वर्टिकल लाइन खींच दिया। वर्टिकल लाइन खींचने का मतलब है कि बस पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 जोन में आप कह सकते हो डिवाइड कर रहा हूँ। ये जो अगर ये पॉइंट अगर 0 है तो क्या इससे लेफ्ट में सारा पॉइंट के लिए क्या एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा? कोई भी नंबर लो इसके पीछे, 0 के पीछे, 0 के लेफ्ट में, तो उसके लिए एक्स लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट 2 है, तो इसके बीच का कोई भी नंबर को आप कह सकते हो कि वो 0 to 2 लाई करेगा, तो उसके लिए लिख दिया 0 x 0 x और 0 x 2 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक्स लेस देन मतलब आप एंड पॉइंट पे इक्वल टू लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे 0 पे इक्वल टू नहीं लगाया हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किधर एंड पॉइंट का कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है बेटा? ओके, और गाइस डोंट मेक साउंड। और ये कितना है, एक्स ग्रेटर देन 2, और ये वाला इंटरवल आपका कितना आ गया, एक्स ग्रेटर देन 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? भाई समझ लो, एवरीवन लिसन केयरफुली, मॉड आपको आपको बहुत तकलीफ देगा, मैं बता रहा हूँ। ये केवल लॉक के लिए नहीं है, पूरे जिंदगी भर के लिए ये हर मॉड दिखेगा तुमको। मॉड कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड कैसे ओपन करते हैं, अगर ध्यान से नहीं सीखोगे तो बहुत तकलीफ आएगी, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ये लॉक का टॉपिक थोड़ी है, तो इन जनरल टॉपिक है, इसमें कहीं कुछ लॉक नहीं है क्या? नहीं है, तो ठीक है। एक ये कितना आ गया, एक्स ग्रेटर देन 2। अब देखो, अगर एक्स लेस देन 0 है पहला वाला इंटरवल में, पहला वाला इंटरवल में एक्स अगर नेगेटिव है, तो आप बताओ ये जो पहला मोड है वो कौन से साइन से खुलेगा, पॉजिटिव साइन से कि नेगेटिव साइन से? अब अगेन मुझे, हाँ मैं वो समझा रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, अगर ये देखना हो कि उसको पॉजिटिव या नेगेटिव से खोलना है, तो इससे छोटा कोई भी वैल्यू उसमें रख के देख लो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो पॉजिटिव साइन से खुलेगा, एज इट इज खुलेगा, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव साइन से खुल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो कोई भी नंबर ले लो, जीरो से छोटा नंबर कोई भी ले लो, -1, -2, -3, -5, और उसको आप वापस से उस मोड में रखोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू है। तो मुझे पता है कि मोड नेगेटिव है, तो वो कौन से साइन से खुलेगा, नेगेटिव साइन से, इसलिए मैंने उसके पीछे लिख दिया है -x। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो बस उसके बाद ये माइनस, क्वेश्चन में माइनस था तो मैंने माइनस का साइन दिया है, और उसके बाद अगेन मोड है, अगेन वो मोड है, तो वो मोड भाई डिपेंड करेगा कि वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा कि पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो अगेन वैल्यू क्या है, एक्स लेस देन जीरो। अब जीरो से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, -2, -3, -4, -5, उसको अगर एक्स -2 में रखोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। जीरो से छोटा कोई भी वैल्यू अगर एक्स -2, नेगेटिव, करेक्ट। तो नेगेटिव तो अगर वो नेगेटिव है तो मॉड क्या, नेगेटिव साइन से खुलेगा, बस इसीलिए उसके पीछे एक ये नेगेटिव साइन लगा दिया। बात समझ में आई? और इक्वल्स टू 2 लिख दिया, कोई दिक्कत? बस इसमें यार पहला स्टेप इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लो। ये कितना आ गया, माइनस माइनस कट गया, एक्स एक्स, तो -2 इक्वल्स टू 2 आ गया। अब क्या -2 और 2 कभी हो सकता है क्या किसी जिंदगी में? नहीं हो सकता है ना, तो इसका नो सॉल्यूशन आ गया इधर, मतलब इस केस से, इस वाले केस से नो सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स अभी बाकी केसेस बचा हुआ है, कोई दिक्कत? अच्छा अब केस सेकंड आते हैं या सेकंड इंटरवल में, तो सेकंड इंटरवल में आपका एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके 2 तक, कोई दिक्कत? केस एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके 2 तक, एनी डाउट? चलो अब फिर से क्वेश्चन देखा, पहले पहले हम मॉड एक्स को देखा, तो जीरो से 2 के बीच कोई भी नंबर ले लो, उसका मॉड क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? मतलब वो जीरो से 2 के बीच कोई भी नंबर अगर हम मॉड एक्स में रखेंगे तो वो क्या वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव वैल्यू है? तो मॉड क्या पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा कि नेगेटिव साइन के साथ? तो इसीलिए एक्स एक्स को एज इट इज लिख दिया है, उसके पीछे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगाया, कोई दिक्कत? अच्छा अब जीरो से 2 के बीच कोई भी नंबर ले लो और उसको एक्स माइनस 2 में रखो, कोई भी नंबर ले लो, जीरो से 2 के बीच 1 ले लो, उसको एक्स माइनस 2 में रखो, तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव? नेगेटिव, नेगेटिव, करेक्ट। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो मॉड क्या पॉजिटिव साइन से खुलेगा कि नेगेटिव साइन से? करेक्ट। तो इसीलिए 2 पे मैं बोला तो बाउंड्री कंडीशन पे कोई दिक्कत नहीं है, बाउंड्री के लिए छोड़ दो, उसके बीच का, हमेशा उसके बीच का देखो, बाउंड्री वाले का लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाउंड्री पे आप इक्वल टू इनइक्वालिटी कहीं भी लगा सकते बेटा, समझे? 2 पे तो 0 ही हो जाएगा। अब ये मॉड 0 क्या होता है, इसको 0 लिखो या मॉड ऑफ -0, ये भी क्या होता है, ये तो 0 ही होता है, कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया बेटा? तो उसके पीछे एक नेगेटिव रख दिया, तो बस, और वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो अलजेब्रा का नियम है वो तो होगा ही, नेगेटिव ये पहले का है और एक और नेगेटिव किसके, मॉड के कारण, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो वो एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 2, तो एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर है, क्योंकि 0 to 2 आंसर है, ठीक है। अगर बाउंड्री कंडीशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा का सारा आंसर लेना पड़ेगा, बाउंड्री वाले में कोई वो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आंसर आ गया x=2, एनी डाउट? अच्छा थर्ड केस ले लिया, x, हाँ x ग्रेटर देन 2। अब अगर सारा x अगर 2 से बड़ा है तो अगर पहला बताओ मॉड x क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसके अंदर पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव नंबर जा रहा है? तो पॉजिटिव जा रहा है, तो वो पॉजिटिव साइन से खुलेगा ना नेगेटिव साइन से खुलेगा, करेक्ट। अब 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 50, तो एक्स माइनस 2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो वो मॉड क्या पॉजिटिव साइन से खुलेगा कि नेगेटिव साइन से? तो उसको एज इट इज रख दिया,
बस वो एडिटिव एक्स माइनस टू रख दिया, उसके पीछे कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाया। अबे ये वाला नेगेटिव तो क्वेश्चन का ही है, ये मत समझना कि मैं नेगेटिव साइन से खोला हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो बस उसको सॉल्व कर लिया। अब उसको सॉल्व कर लिया तो ये एक्स माइनस एक्स कट गया, टू इक्वल्स टू टू आ गया। अबे टू इक्वल्स टू टू आ गया, इसका मतलब है कि ऑल सॉल्यूशन, कोई भी नंबर एक्स टू से बड़ा ले लो वो सारा का सारा आपका आंसर है। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? ऑल सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, टू तो था ही और टू से बड़ा सारा आंसर है, तो एक्स क्या हो जाएगा इसका? ग्रेटर देन इक्वल टू टू। कोई दिक्कत इसमें गाइस? करेक्ट। अब एक बार थोड़ा एक बस ये 5 मिनट 10 मिनट और लूंगा आपका, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से शुरू से एनर्जी लगाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। ये तीन मॉड वाले देख लो, तीन से ज्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, अभी मैक्सिमम दो या तीन पूछेगा आपसे, और क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे तीन मॉड दे दिया, मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड एक्स प्लस टू माइनस मॉड एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू थ्री दे दिया। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कौन सा पॉइंट देखते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? थ्री। यहाँ से कितना आएगा? माइनस टू। और यहाँ से कितना आएगा? फोर। कोई दिक्कत? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? उसको जीरो को इक्वल टू करके जो पॉइंट आता है वही तो लेते हैं। तो यहाँ टोटल क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया? थ्री माइनस टू और फोर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, तो बस फिर क्या है? तो यहाँ अब देखो, अब उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ये आपका नंबर लाइन है। अबे तो नंबर लाइन है तो पहले माइनस टू आएगा, उसके बाद थ्री आएगा, उसके बाद फोर आएगा, तो ऐसे ही प्लॉट करेंगे ना। ये नहीं कि पहले थ्री लिख दिया, फिर फोर लिख दिया, फिर माइनस टू, ऐसे नहीं होता है। नंबर लाइन मतलब जिसका जो नंबर है वैसे प्लॉट करना है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? माइनस टू, थ्री और फोर लिख दिया, कोई डाउट गाइस? ओके, करेक्ट। अब नेक्स्ट चीज देखिए। अब गाइस, हु इज मेकिंग दिस नॉइज? लेट मी सी, डोंट मेक साउंड। ओके फाइन। नाउ आप एक चीज देखो, अब मैंने क्या किया, ये माइनस टू पे अगेन एक इंटरवल बना दिया, फिर थ्री पे एक वर्टिकल लाइन खींच दिया और फोर पे वर्टिकल लाइन खींच दिया, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? टोटल आपका चार केसेस आ जाएगा, एक दो मतलब चार जोन बन जाएगा, एक दो तीन चार। अब ठीक है, अब बताओ अगर ये पॉइंट माइनस टू है तो इसके पूरे लेफ्ट हैंड साइड को क्या मैं एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यस और नो? अच्छा, ये माइनस टू है और ये थ्री है, तो इसके बीच के नंबर को क्या माइनस टू ग्रेटर देन एक्स और थ्री बोलूंगा कि नहीं? माइनस टू टू थ्री बोलूंगा कि नहीं? कोई दिक्कत? ये थ्री है और ये फोर है, तो इसके बीच के नंबर को क्या थ्री टू फोर बोलूंगा कि नहीं? थ्री ग्रेटर देन एक्स लेस देन फोर। कोई दिक्कत इसमें? और फोर के राइट में क्या टोटल हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बस बस अब बस सॉल्व करना है। अब ये पॉइंट माइनस टू है तो इस जोन के लिए क्या होगा? माइनस टू से छोटा कोई भी नंबर, मतलब माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स कुछ भी रख लो, माइनस टू से छोटा कोई भी नंबर ले लिया, मैं माइनस थ्री ले लिया, उसको पहले वाले मोड में रखा तो वैल्यू क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो अगर नेगेटिव है तो मोड पॉजिटिव साइन से खुलेगा कि नेगेटिव साइन से? तो उसके पीछे नेगेटिव है, कोई दिक्कत? देख रहे हो माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई? चलो अगर उसी फिर अगर मैं माइनस थ्री को या एक्स प्लस टू में रखूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? बोलिए। तो उसके पहले एक नेगेटिव साइन से मॉड खोल दिया, कोई डाउट? और ये एक्स माइनस फोर में अगर माइनस थ्री रखा तो वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो बस उसके पीछे एक और नेगेटिव लगा दिया, दो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एक नेगेटिव क्वेश्चन का है। बस ये स्टेप जैसे ही क्लियर हुआ उसके बाद तो सिंपल है, वो सिंपल अलजेब्रा है, उसको सॉल्व कर लिया। उसको सॉल्व कर लिया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? माइनस सिक्स।
अब अगेन आपका -6 आंसर है कि नहीं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यस और नो बोलना पड़ेगा। तो यस इट इज आवर आंसर, क्योंकि हमारा एक्स -2 से छोटा है, उसको ऊपर वाले मास्टर कंडीशन से वेरीफाई करेंगे, और एक बार मास्टर कंडीशन से वेरीफाई कर लिया तो हमारा वो -2 से छोटा आ गया, तो हम बोलेंगे कि हाँ एक्स इक्वल्स टू -6 हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगेन आप अगेन मैं अब एक्स इस इंटरवल में ले रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक? -2 से 3 के बीच। तो -2 से 3 के बीच कोई भी नंबर ले लिया, मान लो 1 ले लिया या 0 ले लिया, चलो 1 ले लिया। 1 लेने पे ये एक्स -3 क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? आशीष कुमार साहू, यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज गाइस, हु इज आई डोंट नो, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, सम सीरियस थिंग इज गोइंग ऑन। ओके, हाँ भाई, ये इतने इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बीच में कुछ देख रहे हो, एक एक स्टेप पे समझना है, एक 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 बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, -2 से 3 के बीच कोई भी एक वैल्यू ले लिया, मान लो 1 ले लिया, तो 1 पे ये x -3 क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो उसके पहले मॉड नेगेटिव से खुलेगा, उसके पहले नेगेटिव लिखा हूँ, कोई दिक्कत? x +2 कौन से खुलेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो उसको पॉजिटिव से खुला हूँ, कोई एज इट इज लिख दिया पॉजिटिव साइन के साथ, कोई दिक्कत? और ये x -4 क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो उसके तो वो नेगेटिव साइन से खुलेगा, इसलिए उसके पीछे एक नेगेटिव लगा दिया और सोल्व कर लिया, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करके x इक्वल्स टू 2 आंसर आ गया। अगेन x इक्वल्स टू 2 आ गया तो ये नहीं बोल देंगे कि हड़बड़ा के हाँ हाँ 2 है, नहीं, वेरीफाई करेंगे ऊपर वाले कंडीशन से, ये मास्टर कंडीशन है। तो क्या 2 -2 से 3 के बीच है? इज 2 लाइंग बिटवीन -2 टू 3? इज 2 लाइंग बिटवीन -2 टू? तो यस, इसलिए मैं लिखा यस इट इज आवर आंसर। ठीक है, थर्ड के साथ हैं, एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 4 है। 3 से 4 में कोई भी वैल्यू ले लिया, चलो 3.5 ले लिया, 3 कुछ भी ले सकते थे, 3 से 4 में कोई इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शन लेता हूँ, 3.5 ले गया। अभी 3.5 लिया तो ये x -3 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव साइन से खोला, कोई दिक्कत? फिर ये x प्लस टू क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ खोला, बट x -4 क्या होगा, नेगेटिव, तो उसके पीछे एक नेगेटिव साइन लगा दिया, और उसके पीछे नेगेटिव साइन लगा के सोल्व कर लिया, तो x का वैल्यू 8/3 आ गया। अब x का वैल्यू 8/3 आ गया, रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज हमारा x 3 to 4, हाँ, मास्टर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऊपर कह रहा है कि x 3 से 4 होना चाहिए, और यहाँ से आ रहा है x 8/3, 8/3 का वैल्यू 3 to 4 थोड़ी लाई करता है, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी में कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब वापिस से चौथा केस सॉल्व करते हैं। चौथा क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब एक x 4 से बड़ा है तो पक्की बात बताना, कुछ भी नंबर ले लो, 5, 10, 20, तो क्या x -3 ऑलवेज पॉजिटिव आएगा? वो एज इट इज खुल गया। क्या x +2 ऑलवेज पॉजिटिव आएगा? हाँ, एज इट इज खुल गया, और x -4 भी पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव साइन से खुलेगा, लेकिन उसके पीछे एक नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन दिया और उसको सॉल्व कर लिया, तो x का वैल्यू 0 आ गया। अब ये 0 नहीं होगा सॉल्यूशन, रिजेक्टेड, मास्टर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मास्टर कंडीशन कह रहा है कि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन रिजेक्ट हो गया। तो इसका फाइनल आंसर यस यस कितना है, -6 और 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया, x इक्वल्स टू -6 और 2। तो इसका आंसर है -6 और 2। कोई डाउट इसमें? चलिए भाई, चलो फाइनली कंप्लीट हुआ हमारा ये मॉड। तो गाइज, आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, और चीज़ आपको एक कुछ बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ आप कर सकते हो, अब ये आपको होमवर्क कर लेना है, ये जो होमवर्क दिया है वो कर लोगे, 2 मॉड को सॉल्व करना है, हो जाएगा ये वाला, प्रैक्टिस करना, ठीक है? हाँ, और ये लॉगरिथमिक इक्वेशन भी आपको पढ़ाया गया है, तो ये आप इसको भी होमवर्क में ट्राई करके लाना है, ठीक है? ये दोनों हो जाएगा। चलिए चलिए, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, एंड मैं अब आपसे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल।
ठीक है गाइस, ओके थैंक यू सर। चलिए। गुड नाइट गाइस एंड टेक केयर।